यहाँ ट्रेडर्स के एसोसिएशन के साथ मेरी मीटिंग भी है और जो यहाँ पे महाराज बाजार कोकर बाज़ार के जो हमारे वोटर्स हैं उनके साथ आज मुलाकात का प्रोग्राम है। उन्हीं के प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ। लेकिन जो आप जानते हैं कि ये लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ये कमर्शियल हब है, ये लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है। यहाँ के ट्रेडर्स के जो बड़े मामला हैं, इशूज़ हैं, मुझे लगता है कि किसी प्लेटफॉर्म पर यहाँ के ट्रेडर्स की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। जिन सड़कों को जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने 30 साल में 15 फुट से 30 फुट किया था, स्मार्ट सिटी के नाम पे उन्हीं सड़कों को आज फिर से 10 फीट 15 फीट पे लाया गया है। यहाँ के शॉपकीपर जो हैं, इनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स है। यहाँ पार्किंग का मसला है, पार्किंग यहाँ पर पार्किंग नहीं है। यहाँ पर जो बंड आप देखेंगे, बंड हैज़ बीन वैंडलाइज। यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस का कोई सिस्टम नहीं है। जो कमर्शियल हब हमारा लाल चौक है, मैं चाहता हूँ कि लाल चौक जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए, इकोनॉमिक बूम यहाँ पे होना चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ के लाल चौक के जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो लाल चौक के वोटर्स है या नहीं, लेकिन लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट है। मैं अपनी तरफ से और अपनी क़यादत की तरफ से उनको वादा देता हूँ कि इंशाल्लाह जीतने के बाद मैं हुकूमत साजी जो हमारी इंशाल्लाह होगी, हुकूमत का और उनके बीच में एक ब्रिज बनके जो भी उनके मसले मसाइल यहाँ पे होंगे वो मैं सॉल्व करके उनको दूंगा। जनाब, वी आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज और इंशाल्लाह जहाँ तक लोगों का साथ जहाँ तक है, जिस माहौल से, जिस जोश से, जिस प्यार से लोग एनसी के साथ जुड़ रहे हैं और हर दिन हमारी मैसेज ज्वाइनिंग हो रही है और जहाँ जहाँ हम जाते हैं जिस तरीके से लोगों का प्यार है, जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट है, इंशाल्लाह जो है फाइट जो है काफ़ी इजी है। मैं हमारी तंजीम में ये कभी किसी ने नहीं कहा कि हम डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि आज सबसे बड़ा मसला जो है वो शिनाख्त का है। हमारी शिनाख्त खतरे में है, हमारा तशक्कुस खतरे में है, हमारी पहचान हमसे छीनी गई है। आज हम अपने ही सरजमीन पर गुलाम बन के बैठे हैं। जिस जुल्म सितम से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कश्मीरी कौम को निकाला था, आज मरकज़ आमंद है कि आज वो फिर हमें उसी तर्ज पे गुलाम बनाना चाहती है। हमने ये बताया है कि डेवलपमेंट इशू तो है ही, डेवलपमेंट करना हर एक गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है, हर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो ड्यूटी बाउंड है। लेकिन आज के मसले मसाइल जो है, आज जो है हमारी पोलिटिकल शिनाख्त खतरे में है। हमें पहली प्रायोरिटी हमें जो ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कहीं पे नहीं होनी चाहिए। जिस शहर में, जिस स्टेट में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, वो स्टेट कभी आज तक डेवलपमेंट वहाँ पे होती नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ अ मस्ट एंड वी विल इंश्योर दैट देयर इज़ अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कश्मीर सो दैट पीपल आर गिविंग देयर ड्यू। थैंक यू सर।